जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में आयकर विभाग की मीडिया ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देश भर में कई ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। बता दें भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर से एक्शन शुरू हुआ। जयपुर जेएलएन मार्ग मुख्यालय पर भी टीम मौजूद रही और अभी तक जयपुर में कोई दस्तावेज नहीं लिए गए हैं। बड़ी संख्या में जब्त कर लिए गए हैं दस्तावेज और दैनिक भास्कर समूह के ठिकानों पर सुबह पहुंची है आयकर विभाग की टीम। बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से की गई है। अधिक जानकारी देंगे सहयोगी अंकित। अंकित, क्या है पूरी जानकारी खबर को लेकर? देखिए, मीडिया हाउस पर एक बड़ा एक्शन आज आयकर विभाग का रहा है और आयकर विभाग की सेंट्रल यूनिट है उसने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई का असर भोपाल की बात करें यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों पर है। अधिकतर ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंचकर अपना जांच शुरू कर चुकी है। जयपुर जेएलएन मार्ग पर जो दैनिक भास्कर का मुख्य ऑफिस है प्रदेश का, उसके अंदर भी 30 से 35 के करीब आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि जयपुर कार्यालय में दस्तावेजों का जब्ती शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जहां से भोपाल, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद से जहां तक जानकारी आ रही है वहां पर बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने अभी तक यह नहीं बताया किन मामलों को लेकर ये की है, लेकिन पुरानी ITR आयकर दस्तावेजों के लिहाज से और जो अग्रिम टैक्स जमा होता है उसके आधार पर ये कार्रवाई शुरुआती तौर पर बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में किस तरह की जानकारी आएगी, क्या इसमें जो काला धन है उसको लेकर कार्रवाई की गई है या क्या है, वो पूरा आयकर विभाग की आगामी जांच में सामने आएगा। लेकिन शुरुआती स्तर पर अगर हम बात करें तो फिलहाल आयकर विभाग की टीम देश के एक बड़े मीडिया समूह के ठिकानों पर पहुंची हुई है और वहां पर आयकर विभाग की टीम जयपुर को छोड़कर अधिकतर जगहों पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जयपुर में भी आयकर विभाग की टीम कुछ जो मुख्य दफ्तर है जहां दस्तावेज हुए हैं उनके कर्मचारी पहुंचे नहीं है, ऐसे में उनके पहुंचने के बाद कार्रवाई आगे शुरू कर सकती है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा एक्शन आज आयकर विभाग का देश भर में एक मीडिया समूह के ऊपर है। जी धन्यवाद आपका अंकित तिवारी तमाम जानकारी खबर पर देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई आयकर विभाग की तरफ से। दैनिक भास्कर समूह के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी, हालांकि इनपुट अभी फिलहाल नहीं मिल पाया है कि आखिर कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर।